You're watching Exposed India. बसपा से निकाले गए लखनऊ के पूर्व प्रत्याशियों ने सामूहिक प्रेस वार्ता कर माया नगरी के तमाम राज खोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार श्रीवास्तव, शिवशंकर सिंह शंकरी, सरोज कुमार शुक्ला, योगेश दीक्षित और अजय कुमार श्रीवास्तव सभी पांचों नेताओं ने बारी बारी से मायावती पर आरोप की झड़ी लगा दी। करने के लिए हम लोग वो चेहरे हैं जो इस बात को उजागर कर रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं, क्योंकि ये देश की संपत्ति है, ये काला धन इनके पास नहीं रहना चाहिए और बराबर से पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए 100%। बात जरूर कहना चाहूंगा कि जहां वो हर मीडिया कॉन्फ्रेंस में एक बात जरूर कहती हैं कि ये धन्ना सेठों की पार्टी है, ये पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी है, ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, अरे इतना पैसा लेकर आपने कौन कौन से उद्योग लगाए हैं? आप उद्योगपतियों के इतने अगेंस्ट हैं, आप धन्ना सेठों के इतने अगेंस्ट हैं, आप पूंजीपतियों के इतने अगेंस्ट हैं, आप अपने उद्योग बताइए कि आपने कौन कौन से उद्योग लगाए हैं। इसीलिए मैं बार बार CBI की जांच कर रहा हूं, जांच की मांग कर रहा हूं। एक नेता ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर वर्तमान में हर विधानसभा में रजिस्टर भेजने का आरोप भी लगाया। बसपा नेताओं ने बताया कि इस रजिस्टर पर पार्टी की तरफ से वसूली करने का फरमान जारी किया गया है। ये असली सिग्नेचर है, इस रजिस्टर में मौजूद है, ये रजिस्टर आपके सामने प्रस्तुत है कि किस तरह से यहाँ गिरह कटी करी जाती है, किस तरह यहाँ गिरोह बनाकर इन लोगों ने लूटपाट का धंधा मचा रखा है। पैसा आपका दिया नसीमुद्दीन जी को, उन्होंने हिसाब दिया नहीं दिया, हम लोग क्या करें? अब वो पैसा जो हिसाब नहीं मिला 50 करोड़ का, वो हम सब 403 प्रत्याशियों से मांगा जा रहा है कि आप लोग 15-15 लाख रुपए जो पार्टी को जो नसीमुद्दीन जी लेके चले गए वो आप दीजिए। पार्टी छोड़ने के बाद नेताओं का स्वभाव है पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाना, लेकिन BSP को छोड़ने वाला हर नेता केवल पैसा मांगने का ही आरोप क्यों लगाता है? लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए आलोक द्विवेदी की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।